हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। एक दुकानदार पर उधार का ठंडा न देने पर एक युवक द्वारा उस पर कसी से वार करके उसे घायल कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी यह मिली है कि वह युवक दुकानदार से ठंडा लेने के लिए आया था, लेकिन दुकानदार ने उधार पर सामान देने से मना कर दिया और युवक ने कस्सी उठाकर दुकानदार पर हमला कर दिया, जिससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे घायल अवस्था में खरखौदा के सरकारी अस्पताल लाया गया। बाद में चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार करके PGI रोहतक रेफर किया है। मैं जिस दुकान अपनी दुकान में बैठा था, हमारे गांव का प्रदीप मनोज महावीर कलर का जी दुकान पाया, उसने आज मेरे ठंडा मांगा तो मैंने उसको ठंडा दे दिया। ठंडा देने के बाद वो बोले इसको लिख लिए, तो मैं बोला जी मैं ठंडा उधार नहीं देता भाई, नगद दूंगा। तो इसके बाद जी मेरे गाड़ी को करने लगा, जी मेरे को अच्छी घूमी बोली उसने। मैंने उसको बोला कि भाई गाड़ी क्यों दे रहा है। जैसे ही बाहर आया साथ थे, उसने मेरे ऊपर कसी भाग दी। कसी भाग थी जैसे सर बताने चक्कर में हाथ किया, जी मेरे हाथ में कसी लगी, फिर उन्होंने आड़ मारा, जी मेरा आड़ मारा और जी मेरे गले में 1 लाख के आसपास रुपये दिए और पी नहीं पाई जी। मैं बेसुध हो गया था जी, मैंने इतना ज्ञान नहीं जी कि मैं चुप के कर रहा था जी, लेकिन मेरे गले में रुपये नहीं पाई जी। 1 लाख के आसपास रुपये थे वो नहीं पाई जी। मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास रुपये वो जल्दी कर गया जी, और कोई था नहीं मिले जी। ईंटों के चट्टे पर सो रहा एक बेलदार सोते समय नीचे गिर गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर अवस्था में उसके साथियों द्वारा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। खरखौदा IMT में देर रात्रि को एक नीलगिरी ग्रुप्स ऑफ कंपनी के चेयरमैन मुकेश गोयल की कंपनी में एक वारदात सामने आई है, और जो आरोपी हैं रामपुर गांव व उसके दोस्त बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने रात्रि को कंपनी में घुसकर तोड़फोड़ की और जो गार्ड था उसके साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि अगर यहाँ कंपनी चलानी है तो अपने मालिक को बोलो 50 लाख रुपए तैयार रखे, अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो वे इससे भी बड़ा कांड कर सकते हैं और वो गोली भी मार सकते हैं। ऐसा एक हफ्ते पहले भी धमकी देकर गए थे, बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धमकी दी गई थी। उस धमकी को तो अनसुना कर दिया था, लेकिन इस बार तोड़फोड़ भी की गई है और धमकी भी दी गई है। तो मामले की शिकायत मुकेश गोयल ने पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें क्राइम ब्रांच के ACP वीरेंद्र और खरखौदा ACP जीत सिंह बेनीवाल, खरखौदा SHO अंकित कुमार, पूरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुआयना की स्थिति का और सारी जानकारी जुटाई। गार्ड से भी बात की, जो मुकेश हैं कंपनी के चेयरमैन उनसे भी बात की है और जल्द ही आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ACP जीत सिंह बेनीवाल ने यह भी आश्वासन दिया है कि IMT में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सभी को सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में और ज़्यादा कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पर लगातार पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाएगी ताकि सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता किए जा सकें। आपको ये भी बता दें कि मुकेश गोयल हैं जो एक पहले ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने खरखौदा IMT में सबसे पहले कंपनी शुरू की थी। इनकी कंपनी जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, जिसमें मशीनें बनती हैं, असेंबल होती हैं और वो देश के विभिन्न कोनों में जाती हैं, कई देशों में भी इनकी सप्लाई है, इस तरह का इनका कार्य है। सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो खरखौदा में टर्नओवर कर रही है। अगर इसके देश के टर्नओवर की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर मुकेश गोयल जी ने बताया था, और ये भी बताया था कि मारुति कंपनी के बाद वो पहले ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके यहाँ पर 60 से अधिक इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, ताकि एरिया का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, वे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ शुरू करने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। और आसपास भी उन्होंने करीब 100-125 एकड़ ज़मीन खरीदी हुई है ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया करवा सकें। भाई मेरा नाम मुकेश गोयल है, मैं नीलगिरी ग्रुप के नाम से, हम लोग यहाँ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाते हैं खरखौदा में। हमने यहाँ सबसे पहले फैक्ट्री स्टार्ट कर दी अपनी। रात को ने 3 बदमाश आए हैं यहाँ रात को, और करीब 1:45 बजे की बात है, और इन लोगों ने पहले गाली गलौज करी है जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था उसको, फिर उसके बाद उसने तोड़फोड़ करी है। तोड़फोड़ करने के बाद उन्होंने ये मैसेज दिया है कि
50 लाख रुपये रेडी रखे, सेठ जी को कह देना 50 लाख रुपये रेडी रखे, 50 लाख रुपये दे नहीं दोगे तो इससे बड़ा कांड होगा, गोली मार देंगे। सर पहले भी कोई कंप्लेंट आपकी तरफ से थी या कोई ऐसा शिकायत थी? नहीं, पहले कंप्लेंट तो नहीं थी, ये वारदात करीब 9 तारीख को ये वारदात पहले भी हुई थी। भाई हम लोगों ने ये सोचा कि भाई कोई शराब पी के वैसे ही किसी ने वो कर दिया, हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया था। भाई ये बात तो पहले भी हुई है 9 तारीख को, उस दिन तो गाली गलौज तक का मामला था 9 तारीख को। तो जो कल वाला मामला है, जो कल 16 तारीख की बात है, तो इन लोगों ने जो हमारे शीशे की तोड़फोड़ करी है तो इसमें उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड करी है, फिर फिरौती मांगी है। 16 तारीख का मामला था ये, उस दिन भी यही गार्ड था ड्यूटी पे। अब पुलिस को शिकायत दी गई है कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई आप चाह रहे हैं? हम लोगों ने पुलिस को शिकायत दे दी है, सारे जो बड़े अधिकारी हरियाणा पुलिस के सारे लोग बड़े अफसर यहाँ आए थे मौके पे, सारी चीज़ें उन लोगों ने अपने हिसाब से देखी हैं। तो मैं जो उचित से उचित कार्रवाई, मैं पुलिस से यही रिक्वेस्ट करूँगा जो इसमें उचित से उचित कार्रवाई हो, जो बदमाश हो उनको हाथ के हाथ उचित कार्रवाई करी जाए। हरखौदा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला प्रहलादपुर कडोली गांव में 2 बच्चियों का मामला सामने आया है, जिनके अपने परिजनों द्वारा उन्हें प्रताड़ना दी जा रही थी, लेकिन गाँव के एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 5 और 6 साल की 2 बच्चियां जिनके पिता एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और माता ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए दोनों बच्चियों का लालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी दादी पर आ गई थी, और कुछ दिन पहले भी उनकी दादी एक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। अब दोनों बच्चियों का लालन पालन करने की व्यवस्था बच्चियों के ताऊ और ताई पर आ गई थी, लेकिन यह बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियों के नाम जो जमीन जायदाद आ रही थी उनको हथियाने के चक्कर में ताऊ और ताई उनको काफ़ी प्रताड़ना दे रहे थे, मारपीट कर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह मामला दर्ज कराया है, जब उसने यह सब देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पुलिस को पूरी की पूरी कार्रवाई से अवगत कराकर उस ताऊ और ताई के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। और बच्चियों को जब यहाँ अस्पताल में दाखिल कराया गया तो उनके शरीर के ऊपर काफ़ी चोट के निशान पाए गए। अब पुलिस द्वारा गहनता से इसकी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी खरखौदा का अंकित कुमार जी का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, और जो यह मानवता के विरुद्ध छोटी बच्चियों पर क्रूरता की गई है उनके विरुद्ध कानून कार्रवाई की जाएगी। बिरलान गांव में एक युवक द्वारा एक वृद्ध महिला के ऊपर ट्रैक्टर 14 तारीख को चढ़ा दिया गया था, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। इस मामले के अंदर पुलिस द्वारा कार्रवाई करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जबकि युवक और उसकी माता भी फरार चल रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले को संज्ञान लेकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने सोमवार को थाने में पहुंचकर संज्ञान लिया है, और महिलाओं के हितों की बात करते हुए मृतक महिला के पक्ष में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की आदेश दिए हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि 2 दिन के अंदर ही उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो भी महिला को न्याय मिलेगा उसे पूरा न्याय दिया जाएगा। तफ्तीश जारी है जी, और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश है। हमारी कोशिश है 1 या 2 दिन में हम जल्दी से जल्दी 2 जो आरोपी बचे हुए हैं उनको ले आएंगे, गिरफ्तार डाल लेंगे। बाकी एक लड़का जो इसमें है सुशील कुमार को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और बाकी तफ्तीश जोरों से जारी है। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, मैंने जो है एक न्यूज़पेपर में और एक यूट्यूब वीडियो पे देखा कि एक कमला नाम की महिला जो कि बिदलान गांव से बिलोंग करती है, उसका मर्डर कर दिया गया, उसी के परिवार के कुछ लोगों ने। तो उसका मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आज कंसर्निंग खरखौदा थाने में जो है इस मामले की जाँच की, और जिसमें मेरे साथ जाँच में SHO अंकित कुमार, वीरपाल जी SI और SI संजय जी जो है मौजूद रहे मौके में। और मैंने इस पूरे केस को जब जांचा परखा और देखा तो यह जाना कि कमला नाम की एक महिला जो कि 60 साल की उम्र थी लगभग, उसको जो है रात को 10 बजे 14 तारीख को रात को 10 बजे अपने खेतों में गई हुई थी किसी कार्य के लिए पूरे परिवार के साथ,
और उसी के देवर देवरानी और देवर के लड़के ने पुरानी रंजिशन के चलते प्रॉपर्टी विवाद इन लोगों के बीच में रहा है पहले और उसके चलते जो है रंजिशन इसकी हत्या कर दी गई, जिस पे हमारे खरखोदा थाने ने उनके जो है देवर को सुशील नाम के व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर लिया है और बाकी रह गया मोहित और बबली जो कि इनकी देवरानी और जो है इनका देवर का बेटा है, उनको हमारे जो है SI संजय जी का और SHO अंकित जी का कहना है कि विद इन 2 डेज हम जो है निश्चित रूप से अरेस्ट कर लेंगे। और ये बहुत बड़ी पुलिस की बात है कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है देवर को अरेस्ट किया है। और इसमें एक बात का और पता लगा है कि जो देवर का बेटा है मोहित, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है साथ में मिलकर अपने पिता और माता के साथ, उस पर पहले भी 4 केस जो है लगे हुए हैं और जो कि पुलिस बेल पे आज बाहर है और ये उसका जो है 5वां केस है। तो मेरा यही कहना है कि ग्रामीण वासी आपस में शांति बना के रखें, पारिवारिक माहौल को ठीक रखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो है वारदातें एरिया में ना हो और एरिया में शांति अमन का माहौल रहे। और निश्चित रूप से कमला को हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, मृतक कमला को, ताकि जो है इस परिवार में दोबारा से इस तरह की वारदात ना हो। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईंट रोड़ी क्रेसर सीमेंट बदरपुर AAC ब्लॉक सरिया शटरिंग सामान कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।